अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है भरे हुए करेले। किलो मैंने करेले लिए और इनको मैंने अच्छे से काट के इनके बीज निकाल के साफ़ करके रख लिए। दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, दो मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए, हाफ़ के जी मैंने बॉयल चिकन लिए और इसके मैंने छोटे छोटे रेशे कर लिए हैं। करेलों के बीज जो मैंने बीज निकाले थे उनको मैंने अच्छे से धो के और इनको मैंने ग्राइंड कर लिए। चॉप की हुई हरी मिर्चें 5 से 6 अदद ले लिए मैंने। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच दरदरी लाल मिर्चें, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सिरका ले लिए, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। पहले हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। चम्मच नमक डाल देंगे, दरदरी लाल मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे 5 मिनट के लिए। और अब हम इसमें करेले के बीज डाल देंगे। और इनको हम भूनेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे चिकन जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। अब हम इसमें सिरका डाल देंगे और अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। व्यूअर्स, हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। करेलों को मैंने फ्राई कर लिया और अब हम इनको फिल कर लेंगे जो हमने मसाला बनाया था उससे। व्यूअर्स, अब हमने इनको फिल कर लिया, करेलों को अच्छे से भर लिया। इसको आप लोग चाहें तो धागे से बांध भी सकते हैं। मैंने इसको इसलिए नहीं बांधा क्योंकि मैंने करेलों को पहले से फ्राई किया हुआ था और अब इनको दोबारा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। करेले हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।